गिरिडारी के पांडू में एनटीपीसी के द्वारा लगातार ग्रामीणों को तंग किया जा रहा है। खेत में लगे धान एवं अन्य फसल पर मिट्टी से ढकने दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। बता दें कि हजारीबाग जिले के गिरिडारी प्रखंड में एनटीपीसी कोल उत्खनन कार्य के लिए नींव रखने के क्रम में ही ग्रामीणों से उलझे रहे। एक तरफ राज्य सरकार के द्वारा किसानों को खेती करने के लिए प्रेरित कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनटीपीसी के द्वारा रात के अंधेरों में जाकर खेत में धान काट कर रखा हुआ धान के ऊपर मिट्टी ढकने का कार्य किया जा रहा है। गिरिडारी से ज्ञान कुमार पासवान की रिपोर्ट। छोटा से बड़ा तक ले कि कितना धान हम लोग का क्षति हो गया है। रात में आए तो धान क्षति कर दिया है, और उन लोग अगर रात के आएगा तो रात के माटी उठी हम लोग का सब जाग देगा घर में, तो कैसे का करेंगे, कैसे रहेंगे बाल बच्चा लेके। और एक दिन यही कहा हुआ है कि आए तो जमीन ले लिया है, घर ले लिया है, कि नौकरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, सब कुछ देंगे, धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा। तो हमें क्या मिल रहा है, हमारे बाल बच्चा बेटा भाता भटक रहा है, गली गली भटक रहा है, कहाँ दिल्ली जाता है, कहाँ उड़ीसा जाता है, कहाँ कहाँ जा रहा है, और दूसरे गांव के आने के काम कर रहा है, यहाँ दूसरे ठेकेदारी में काम करा रहा है। तो हम कैसे क्या करेंगे, आज तो हमारे धान क्षति कर दिया है, हम क्या खाएंगे। क्या नाम है? हमारा रुखिया देवी नाम है। किसी के द्वारा जो है मिट्टी ढकने का काम किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर हम जो है ये तो इतना ये निस्वार्थ हो के वो कर रहा है, हम लोग के खाने पीने का चीज भी जो है से वो ध्वस्त कर दे रहा है आधी रात को। अच्छा, वो दिन में कभी कर नहीं सकता है। अच्छा, वो आधी रात को कर दे रहा है। अच्छा, समझे ना। और बाकी रह गया कि आज यहाँ कर रहा है, कल आगे करेगा, अभी मेरा घर का भी पेमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, घर गलत नापी किया है। अच्छा, जो मेरा एरिया घर का है वो तकरीबन 3000 एरिया है, और वो हमको दिखा रहा है यानी कि 2100 एरिया, इतने कम मापी करके भी वो बोलते हैं, तो बोलता है कि जो तुमको करना है वो कर लो, हम जो है वो देंगे, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, तुमको जहाँ जाना है। कौन बोल रहा है? ये एजीएम साहब, एसपी गुप्ता। एजीएम किसका है, एलएनटी का है? नहीं नहीं, ये एनटीपीसी का है। प्लस हम लोग के जो जमीन का पेमेंट भी नहीं हुआ है उस पर भी कब्जा कर लिया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा महेश प्रजापति, पिता का श्री प्रभु प्रजापति।